20 तारीख को आने वाले सोमवार 20 तारीख को सुबह 7 बजे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जगन्नाथपुरी धाम आएंगे, महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे, उनका रोड शो भी होगा। वो पुरी के निवासियों से, पुरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और उड़ीसा के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं और पुरी के लोग पलक पावड़े बिछा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे, क्योंकि सभी का कहना है कि हम सब मोदी के परिवार के सदस्य हैं। तो उनका एक सदस्य आ रहा है, उनके स्वागत में पूरा उड़ीसा और खास तौर से पुरी पूरी तरह से जुट गया है। 4 तारीख को प्रधानमंत्री आउटगोइंग पीएम बनेंगे और उत्तर में बीजेपी हाफ है, पूर्व में हाफ है और दक्षिण में काफ हो जाएगा। किसने बोला है? कांग्रेस के अभी जयराम रमेश ने। नहीं, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं, खाली बोलना ही काम रह गया। कम से कम उनको बोलने तो दीजिए, ग्राउंड में लड़ने के लिए कैंडिडेट तो है नहीं, सब विड्रॉ कर ले रहे हैं। अब कम से कम बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। 20 तारीख को आने वाले सोमवार 20 तारीख को सुबह 7 बजे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जगन्नाथपुरी धाम आएंगे, महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे, उनका रोड शो भी होगा। वो पुरी के निवासियों से, पुरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और उड़ीसा के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं और पुरी के लोग पलक पावड़े बिछा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे, क्योंकि सभी का कहना है कि हम सब मोदी के परिवार के सदस्य हैं। तो उनका एक सदस्य आ रहा है, उनके स्वागत में पूरा उड़ीसा और खास तौर से पुरी पूरी तरह से जुट गया है। 4 तारीख को प्रधानमंत्री आउटगोइंग पीएम बनेंगे और उत्तर में बीजेपी हाफ है, पूर्व में हाफ है और दक्षिण में काफ हो जाएगा। किसने बोला है? कांग्रेस के अभी जयराम रमेश ने। नहीं, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं, खाली बोलना ही काम रह गया। कम से कम उनको बोलने तो दीजिए, ग्राउंड में लड़ने के लिए कैंडिडेट तो है नहीं, सब विड्रॉ कर ले रहे हैं। अब कम से कम बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए।